हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी सीरीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं जंट जी की एक अनदर वीडियो। आनी बाड़ी में स्कूल जाता है। कौन से स्कूल में? आनी बाड़ी में। आप लोगों ने ये रील्स देखी होंगी काफी सारे। ओ माय गॉड, मतलब लॉट्स ऑफ रील्स इस पर बने हुए हैं। और वो आवाज़ बड़ी ही क्यूट लगती है बच्चे की, जिस भी बच्चे ने ये बोला है ना, आवाज़ क्यूट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अंतरा सिंह, प्रियंका, लाल बाबू, अजीत, आनंद, शिल्पीराज, समर सिंह। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू कैन चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या बात है, क्या बात है, क्या लिरिक्स है, है। ना मैं पटाखा ना ही फुलझड़ी हूँ। हाँ, और लेके कटोरा सिग्नल पे खड़ी हूँ। देखो मैडम, पटाखा कहते समय जहाँ हाथ फेर रही हो ना, उसे पटाखा तो नहीं कहते। सही बात है। हाँ, उसे बम कहते हैं। ऑब्वियसली उसे बम कहते हैं। साले नहीं सुधरेगा। तो साले मैंने गलत क्या बोला है? बम इसको बोलते, बम ही तो कहते हैं। बम नहीं बोलते। तो क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, आज हम एक बार फिर से कसम उठलाली वाली फुलझड़ी की, भले ही अपने बच्चों को आड़ी बाड़ी में पढ़ाएंगे मगर इस मैडम को लंगड़ा आम जरूर चुसाएंगे, असली वाला। तो चलो ना यार, दिन पर दिन बढ़ती हुई गर्मी को फ्रिज में जमा बर्फ भेंट करने का शुरू करते हैं सफर। और स्टार्ट करते हैं झंड झंड नया बसर। क्या बात कर रही हो, तेरे जैसे लाख खड़े हैं। हाँ, सामुदायिक शौचालय है ये। भैया वो हम तो वो आराम से जा रहा है, लाखों खड़े हैं। तब तो पिछवाड़ा पंचर हो गया होगा। देखो मैडम, ये तो सच है कि जिसमें दम होगा वही लेकर जाएगा, बट दम यहाँ तो बिल्कुल नहीं होता है। फिर कहाँ होता है? चल छोड़, जाने दे। नहीं नहीं बता, अगर गांव में दम है तो बस 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 वही वही दम होना चाहिए। वैसे ये दम की जरूरत डोली ले जाने पर भी पड़ती है क्या? बिल्कुल यार, डोली भारी होती है। मैंने तो सोचा था कि दम की जरूरत तो है ना, कोई दम नहीं है। दम बैनामा कराए हो का? वैसे इस बात पर तो मैडम को थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, पहले से क्या बोले मैं समझा नहीं। क्या नहीं, मतलब नहीं, बंदे ने कसम भी खाया है तो मैडम की उठलाली का, क्योंकि बंदे को पहले से ही पता है कि मैं तो इनका भतार बनने वाला नहीं हूँ, तो नुकसान सिर्फ उठलाली का ही होगा। कहीं गलती से मैडम का कसम खा लिया, क्या पता मैडम ही ना निकल पड़े। लड़की पटाना क्या है तेरा धंधा? ये कौन सा धंधा होता है भाई? ऐसे धंधे के बारे में पहले तो मैंने कभी नहीं सुना। धरती, एक काम करो, इस कंपनी के 2-4 शेयर अपने लिए भी खरीद लो। ऐसे काम में मैं पीछे नहीं रहता हूँ, 8 शेयर पहले से ही खरीद कर बैठा। वाह, धरती एक कदम आगे है। लड़की पटाना क्या है तेरा धंधा? अरे पूछ तो ऐसे रही है जैसे लड़की पटाने का उसका खूब बड़ा फैक्ट्री होगा तब वे पटेंगी। क्या
केला वे नु मांगली हाँ। साले वो इस केले की बात कर रही है। तो साले मैं भी इसी केले की बात कर रहा हूँ। ओ अच्छा मैं समझा। क्या सर के एक्सप्रेशन नहीं मैच कर रहे थे। चुतिया साले। अच्छा भतार ऐसे ही डांटते हैं क्या? नहीं नहीं गलत बात है, भतार ऐसे नहीं डांटते हैं। फिर कैसे डांटते हैं? भतार ऐसे डांटते हैं। हद हो गई। का बोले हो फिर से बोलो। इतनी तो ऑटो ट्यून है कुछ नहीं समझ में आया। मुझको भी समझ में नहीं आया। का बोल रहा है वो पीछे वाला मांग रहे हैं। अबे पीछे का मतलब जो इससे पहले वाला उधार है वो वाला मांग रहे हैं। ओ अच्छा अच्छा साला असली आदमी। हाँ यूपी बिहार उत्तराखंड झारखंड मध्य प्रदेश से लेकर नेपाल तक आप कहीं भी चले जाओ हर जगह पर हर आम का नाम अलग अलग होता होगा पर लंगड़ा लंगड़ा हर जगह लंगड़ा ही रहता है। वैसे ये आम लंगड़ा कैसे हो गया यार? अरे बच्चे हैं हमेशा ईंट पत्थर मारते रहते हैं आम के पेड़ पर, लग गया होगा एक आक ईंट आम के पैर पर। अच्छा वैरायटी है। हाँ ऐसे बढ़िया बा हमार नींबू। नींबू मैडम घर से लेके चली थी, उनको पता था कि दुकानदार जब अपना लगड़ा आम दिखाएगा तो मुझे भी तो नींबू दिखाना पड़ेगा ना, असली वाला। हाँ बहुत महंगा है। ऐ मिस्टर तुम इन छोटे छोटे बच्चों में तुम क्यों बैठे हो? हाँ नहीं नहीं ये तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब 20-20 26-26 साल के नाबालिग बच्चों में ये 12 साल का बुजुर्ग बैठेगा कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? मैडम जी हम हूँ पढ़ेंगे आपकी कक्षा में। क्या क्यों तुम्हारे पास कक्षा नहीं है क्या? अरे अपने कक्षा में पढ़ो। साले वो स्कूल की कक्षा में पढ़ने की बात कर रहा है। कक्षा अच्छा। का उच्चारण सही कर रहा लगता तो नहीं है कि वो स्कूल के कक्षा की बात कर रहा है। कक्षा और कक्षा में कोई अंतर ही नहीं है। कहाँ? आड़ीबाड़ी में। ले कक्षा में ही हक दिया। आड़ीबाड़ी में। कौन सा स्कूल है? आड़ी बाड़ी में। अरे बेटा आड़ी बाड़ी में पढ़ने से तो अच्छा था कि तुम साड़ी वाड़ी पहन के पढ़ लिए होते। और ये क्या है? जूता। अब जूता भी कोई गले में लटकाने वाली चीज है? सही बात है। अरे जूता खूंटी में लटका दो। अब यहाँ खूंटी कहाँ है? अरे ढूंढो अपने शरीर में, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। अच्छा ऐसे एप्पल होला जैसे मैडम के गाल, तो बी से का होला बेटा? बी से बल बुझेलू मैडम बड़का फूटी बॉल। ओ बी से बॉल बुझेलू जैसे बड़का फुटबॉल है? नहीं ये तो गलत बात है। अरे ए से एप्पल जब मैडम के गाल के जैसा है तो बी से बाल का एग्जांपल भी मैडम से ही दो। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। नहीं सही बात है, ऐसे एप्पल होता है वो मैडम के गाल के जैसा। अच्छा तो बी का मतलब बताने के लिए कक्षा के बाहर क्यों जा रहा है भाई? कक्षा के अंदर ही ढूंढ, कहीं कहीं मिल ही जाएगा। गलत बात। अच्छा माने कि तुमको लव चव का भी जानकारी है? बिल्कुल। अरे जब गुरु ही ऐसा हो तो चेला के पास केला का ही ज्ञान होगा ना। बस एक बात बताओ कि लव तो मैंने सुना था, ये चव क्या होता है? ये चव क्या होता है? आवाज होता है। कैसी आवाज? लव के बाद वाला। समझ में आया कुछ? मुझको भी समझ में नहीं आया। ग्लूकोजों के बारे में जानते हो क्या? ये मैडम ग्लूकोज परपोज हाइपोज हाउपोज हम सब जानते हैं। वाह
ये 12 साल का बुजुर्ग कुछ ज्यादा ही नहीं बुजुर्ग है। ग्लूकोज परपोज तक तो समझ में आया, ये हाई पोज और हाउ पोज क्या होता है भाई? वो भी एक टाइप का पोज ही होता है। आड़ी बाड़ी में क्या पड़ रहा है? आजा बताऊं, आजा। ये देखो, स्टूडेंट और टीचर के बीच में यही रिश्ता देखना तो बाकी था। तुम्हें शर्म है कुछ? अब कलयुग संपूर्ण हो गया है, प्रलय कभी भी आ सकता है। कुछ शर्म आया है तो भैया मैं तो यही कहूंगा कि इससे पहले प्रलय आए, सब मर जाएं, उससे पहले हम सब मिलकर जल्दी जल्दी काम बंद करके सब सेक्स कर लो। क्या कर लो, बस मर जाएंगे सारे। चुप, बिल्कुल चुप। जब जब आवे याद तोहार इमनवा तड़पेला। जी खत्म हो गया यार, जाओ अब क्या। हाँ, लाइक करके जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक है, दोनों जगह फॉलो कर लेना, बिना लाइक किए जाना नहीं। ओके यार, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म, और दो सॉन्ग हमें दिखाए गए, वाओ। एक तो चलो मैडम जी का जो गाना था है ना, दम चाहिए, दम इन योर बम, है ना। तभी मतलब पहली बात तो ये, ना मैं फुलझड़ी हूँ ना पटाखा हूँ, तो क्या हो तुम मैडम जी, सुतली बॉम्ब है। खैर यार वो जाने दो, ये पहली बात तो ये कौन सी क्लास चल रही थी, कौन सी ऐसी क्लास होती है जहाँ पे इतने बड़े बड़े बच्चे इतनी छोटी सी कक्षा में पढ़ रहे होते हैं। और पहली बात तो कक्षा होता है, कच्छा नहीं होता है, ठीक है। कच्छा इज अ मेल अंडरवियर, ठीक है। अब इसका भी अंतर बताना पड़ेगा, हद हो गई यार, हद हो गई, थोड़ा सा तो अच्छा प्रोनाउंस कर लो, थोड़ा सा तो अच्छा प्रोनाउंस कर लो, अच्छा और कच्छा और कक्षा, तीनों के बीच में बहुत अंतर होता है, ठीक है। और दूसरी बात यार, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो थी, जट जी हमेशा ही क्या बेहतरीन रोस्ट लेकर आते हैं। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।